हेलो फ्रेंड्स, अभी फेस्टिवल आ रहे हैं बहुत सारे, तो उस हिसाब से लो बजट में और खाने में अच्छी, देखने में अच्छी और जल्दी बनने वाली मिठाई है, तो ये दो मिठाई लाई हूँ। तो आप डरे नहीं, ये काजू की मिठाई नहीं है, ये काजू जैसी है पर काजू की मिठाई नहीं है। बहुत कम काजू यूज किए गए हैं, 10-12 ही यूज किए मैंने, और ये है आटे की मिठाई। तो दोनों मिठाई बहुत जल्दी बनने वाली है और बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए बनाते बना रहे हैं फेस्टिवल के अनुसार मिठाई, जो घर के गेहूं का आटा जिससे हम चपाती बनाते हैं ना, उससे। तो ये मैंने एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है, तो इसको डाल देते हैं। आप मैदा भी ले सकते हैं इसकी जगह पे। थोड़ा सा मैं और डाल देती हूँ, घी का ही इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी मिठाई बनती है। तो ये वाली मिठाई आप ज़रूर एक बार बनाएं, क्योंकि ये लगने वाली बहुत अच्छी, और सबसे बड़ी बात कि बहुत कम सामान में और अच्छी बनेगी और बजट में है। सब सब लोग बना सकते हैं इसको, इसमें ना कोई मावा है ना। तो थोड़ा सा मैं एक चुटकी नमक ले लेती हूँ। तो अच्छा, मीठा जब भी बनाएं तो ध्यान रखें एक चुटकी नमक ज़रूर डालें, तो ये बहुत ज़रूरी है। इससे खाने का जो स्वाद है ना, बहुत अच्छे। इसको अच्छे से मसल लेते हैं। और तो आप मैदा से बना लें, मैं तो आटे से बना रही हूँ क्योंकि घर के लिए बना रही हूँ। तो और ये बहुत दिन तक आप रखे खा सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं कि फ्रिज में रखें। तो बहुत अच्छा। मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा और घी डाल रही हूँ। आप अगर घी नहीं खाते तो वनस्पत घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5 कटोरी आटे में 3 से 4 स्पून घी लगा, तो इस तरीके से बाइंड होने लगे तो समझ लीजिए मोइन हो गया पूरा। तो थोड़ा सा गरम घी डालें तो अच्छा रहेगा। ये देख रहे, ऐसे लड्डू जैसा बनने लगे जब इसको गूंथें। अब ये मैं थोड़ा सा गरम दूध से कर रही हूँ। अगर आप नमकीन बनाना चाह रहे हैं ना, तो आप पानी से गूंदें। तो पानी से गूंदेंगे तो दो तरह के एक साथ ही बन जाएंगे, नमकीन और मीठे। ये मैं मीठे बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसको दूध से गूंदा, उससे स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अब बना लेते हैं चाशनी। आटे को रेस्ट के लिए रख दिया करीब 20 मिनट के लिए, और चाशनी के लिए मैं 1.5 कटोरी लिया है चीनी। मेजरमेंट एक ही रखें, और 1.5 कटोरी मैंने पानी डाला। पानी कम डालने से चाशनी जल्दी बनेगी। और 3 इलायची डाल दी और थोड़ी सी सेफ्रॉन के धागे डाल दिए। इस तरीके से एक तार की चाशनी बना लें, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है। अब मेरा आटा हो गया, आटा को फिर से मसल लें ताकि क्रैक्स ना आए, और आटे को थोड़ा सा टाइट ही गूंदना है ताकि जो हमारी मीठी पूड़ी और या इसको कहीं पे खजरा भी बोलते हैं या सतपुड़ा भी बोलते हैं, तो वो अच्छे बने। अब ये क्रैक्स आ रहे हैं ना, तो उनको थोड़ा ठीक कर लें। तो आटे को गूंदते वक्त थोड़ा ध्यान रखें कि वो थोड़ा टाइट रहे और क्रैक्स ना पड़े। तो सभी पूड़ियों को मैंने 7 पूड़ियाँ बनाई हैं, तो 7ों को बेल लें इकट्ठा। और ये मैंने पेस्ट बना रही हूँ कॉर्नफ्लोर का, कॉर्नफ्लोर और घी। 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया, 1 चम्मच मैंने घी लिया। इस तरीके से पेस्ट बना लें उसका, क्योंकि इससे क्रिस्पीपन आएगा। लोग मैदा भी लगाते हैं, आटा का भी घोल लगा सकते हैं, लेकिन अधिक क्रिस्पीपन लाना, अच्छा लाना बिल्कुल, तो फिर आप ऐसे ही बनाएं। एक एक करके सारी हमने जो चपातियाँ बेली थी ना, उसमें सब में लगा लें। इस तरीके से एक जैसी बनाएं, जो रोटी जैसी। अब ये किनारे देखिए, इस तरीके से फोल्ड करें, किनारे को अच्छे से प्रेस करते जाएं, उसमें एक एक में पूरी में सभी में पेस्ट लगा दें जो बनाया है ना हमने कॉर्नफ्लोर और घी का। देखिए, इस हल्के हाथ से दबाते जाएं ताकि वो फटे भी ना और अच्छे से बन जाए। इसके रोल कर लें इस तरीके से। आपको जहाँ पे भी लग रहा है कि खुलने का है, थोड़ा खुल जाएगा, तो उसको प्रेस कर दें और पेस्ट लगा दें। अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि कढ़ाई में जब हम सेकेंगे तो खुल जाएगा, तो सब बेकार हो जाएगा। तो ये टिप्स और ट्रिक्स हैं बनाने की, तो आपका भी अच्छा बनेगा मेरी तरह। छोटी छोटी चीज़ें, बाकी इसमें कोई मावा नहीं लग रहा है। बनाना भी देखिए बहुत आसान है। अगर घर के लिए बना रहे हैं तो आप आटे का बना सकते हैं। रोटी थोड़ा सा पतली पतली सी बिल्कुल बेलना है, तो एक एक करके आप बना लें तो बहुत अच्छा बनता है। और रख के आप खा सकते हैं, कोई किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं।
अगर बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं तो बाहर बच्चों के लिए भेज सकते हैं। चाशनी में थोड़ी देर भिगोना है इसको, ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। अब अगर आपको उठाने में डर लग रहा है टूट जाएगा, तो मैंने थाली में थोड़ा सा मैदा को ऐसे छिड़क लिया है, तो आप भी ऐसे छिड़क दें, बराबर आधा आधा इंच के कट करें, एक जैसे ही उसमें कट करें। अब इनको शेप में बेल दें, घी लगा के भी बेल सकते हैं, तो या कॉर्नफ्लोर का थोड़ा सा छिड़क लें तो पटे पे इस करके बेल लें। एक साइज, एक तरीके से एक ही साइज का बनाए तो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अभी घी में ही सेकें, अगर घर के लिए बना रहे ना तो घी में सेकें, और मीडियम फ्लेम पे सेकें, लो में बिल्कुल ना सेकें, नहीं तो घी भर जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखें, ना हाई में सेकें और ना लो में सेकें। और इकट्ठा आप चार पांच डाल सकते हैं, ये देखिए। अगर आप रिफाइंड खाते हैं तो वनस्पति घी में कर सकते हैं, तल सकते हैं। देखिए कोई भी नहीं खुली है, देखो कितनी सारी लेयर्स बनी है। सात पूड़ी वो बनाई थी और बार बार फोल्ड किया तो उससे बहुत सारी लेयर बन गई, जिससे अंदर क्रिस्पीपन भी आ जाएगा और अंदर चाशनी भी अच्छे से जाएगी। ये देखिए तो कितनी आसानी से और बहुत अच्छा बना है। तो अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और इस फेस्टिवल आप ज़रूर बनाइएगा, और आपने क्या बनाया ये भी बताइएगा। अब मैंने ड्राई फ्रूट्स और सिल्वर फॉइल से गार्निश कर दिया इस तरीके से, और थोड़ी देर ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है, गर्म चाशनी में बिल्कुल नहीं डालना, नहीं तो टूट जाएंगी। थोड़ा चाशनी ठंडी हो जाए और ये अपनी मीठी पूड़ी भी ठंडी हो जाए, तभी उसमें डिप करें। देखिए कितनी खूबसूरत बनी है, खा के भी दिखा देते हैं आपको, बहुत क्रिस्पी बनी हुई है। तो आप किसी को भी करेंगे ना, देंगे ना, तो वो खुश हो जाएगा देख के, इतना अच्छा और इतना सस्ता नाश्ता बना। अब दूसरी रेसिपी बना लेते हैं, ये है काजू कतली, जैसी लग रही है पर काजू कतली नहीं है, ये मैंने मूंगफली दाना से बनाया है। तो मूंगफली को पहले तो चाशनी बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कटोरी चाशनी के लिए रख दी है चीनी, तो वो जब तक चाशनी बनेगी तब तक ये बना लेते हैं। तो मूंगफली दाना मैंने ये ऐसा लिया है, बिल्कुल वाइट लें ताकि अपनी मिठाई एकदम वाइट बने। तो इसको ग्राइंड कर लें, ग्राइंड करते वक्त ध्यान रखें कि ऐसे भुरभुरा भुरभुरा बने, एकदम पेस्ट जैसा ना बना लें, और फिर उसको छान लें ताकि कोई मोटा दाना ना रह जाए। और उसी में करीब एक मुट्ठी या दो मुट्ठी आप काजू भी ग्राइंड कर लें इस तरीके से। देखिए ऐसा मटेरियल बनाएं आप, ज़्यादा मतलब ग्राइंड ना करें, और उसको छान भी लें ताकि कोई दाना ना रह जाए मोटा, क्योंकि बर्फ़ी अपनी ख़राब हो जाएगी अगर कोई मोटा दाना रह गया इस तरीके। अगर जो वो है जो बचा हुआ मटेरियल है छन्नी में, वो उसको आप सब्जी वगैरह में डाल दें। इस तरीके से आपका होना चाहिए पाउडर, एकदम बारीक दानेदार सा। अब इसमें मिला लेंगे एक कप मिल्क पाउडर। अब देखिए चाशनी अपनी बन गई है, इसमें डाल देंगे थोड़ा वेनिला एसेंस, जिससे अच्छी खुशबू आ जाए। अगर आप वेनिला एसेंस नहीं है तो आप इलायची पाउडर डाल दें। अब ये रखेंगे हम, चेक कर लें, थोड़ा कटोरी में पानी ले लें। दो तार की चाशनी होनी चाहिए, गाढ़ी चाशनी होनी चाहिए। देखिए जब गोली बनने लगे, जब कटोरी में चीनी की, तब समझे आप हो गई चाशनी। तो चाशनी जब बन जाए फिर जो हमने पाउडर छान के रखा है ना वो डाल दें इसमें, और गैस को लो कर दें एकदम, ताकि और फिर उसको चलाएं करीब दो तीन मिनट तक, अच्छा सा गाढ़ा अच्छे से मिक्स हो जाए, लगातार चलाते रहें। ये देखिए इतना गाढ़ा पेस्ट हो जाए, ये देखिए। अभी इसमें हमने मिल्क पाउडर डाला, उससे स्वाद बहुत अच्छा आएगा। एक और करीब दो से तीन चम्मच हम घी डाल देंगे, उससे अपनी बर्फ़ी जब हम रखेंगे कंटेनर में रखेंगे या किसी डब्बे में रखेंगे तो टूटेगी नहीं, एक लचीलापन सॉफ्टनेस रहेगी। तो घी ज़रूर, और फिर इसको हम एक थाली में ट्रे में इस तरीके से सेट कर देंगे। आप रूम टेम्परेचर पे भी सेट हो जाएगी, और इसमें एल्युमिनियम वर्क लगा दें तो बिल्कुल अच्छा। एकदम वाइट करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा वाइट कलर डाल दें, फूड कलर, तो उससे एकदम वाइट कलर आएगा। तो देखिए कोई कहेगा ये कम पैसे में और ये मूंगफली की बर्फ़ी है, तो आपको खाने का स्वाद भी वही मिलने वाला, क्योंकि हमने डाले थे दो मुट्ठी के करीब वो।
काजू। अब इस तरीके से आप थाली में बेल के भी रख सकते हैं, इस तरीके से पॉलीथिन में लगा लें और इस तरीके से बेल दें और उससे कट कर लें। ये देखिए ठंडा हो जाने के बाद, तो दोनों तरह से आपको हमने मिठाई को बनाना बता दिया। काजू की आप सेट करके भी बना सकते हैं, इस तरीके से कट कर सकते हैं। आधा इंच मोटाई रखें काजू कतली की, अपने अनुसार भी कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी मिठाई बनी। अब आप किसी को भी देंगे तो कोई कहेगा नहीं कि आपके ने घर पे बनाई है ये मिठाई, और आपकी तारीफ़ अलग होगी। तो आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें।